स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल हटके प्रेडिक्टर में। तो आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ मैच जो कि मेलबोर्न रेनेगेड्स वर्सेस मेलबोर्न स्टार्स वुमेन के बीच में खेला जाएगा WBBL 2020 का। सुबह 9 बजे के आसपास मैच स्टार्ट हो जाएगा। पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो हस्टविले ओवल सिडनी ग्राउंड में ये मैच खेला जाएगा। देखो तो ये भी एक छोटा ग्राउंड है यहाँ पे, मतलब वुमेन्स के मैचेस में, मैं आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि वुमेन्स के मैचेस में खासकर छोटे ग्राउंड्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। 140 का स्कोर यहाँ पे बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट बैटिंग जो करेगी, मतलब मान के चलो 140 के नीचे ही आपको स्कोर यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बैलेंस पिच मान के चलेंगे, बॉलर्स को भी यहाँ पे थोड़ा हेल्प मिल सकता है क्योंकि ज़्यादातर इस पिच पे जब भी खेलें तो उतना स्कोर यहाँ पे बनते हुए नहीं दिखा है। अब यहाँ पे स्पिनर्स के लिए उतना कुछ है नहीं, स्पिनर्स का मदद यहाँ पे कम ही मिल रहा है इस पिच पे, तो थोड़ा स्पिनर से दूरी रहेंगे इस मैच में। देखते हैं पहले मैच में कि कैसे पिच बिहेव करती है। थोड़ा कम ही इन्वेस्ट करना इस मैच में, ज़्यादा मत करना। अब न्यूजीलैंड की जो बॉलर है रोजमेरी मेयर, अब मेलबोर्न स्टार्स वुमेन की स्क्वाड की बात करूँ मैं तो रोजमेरी मेयर जो कि रिसेंट आप देखा होगा न्यूजीलैंड से खेली हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और अच्छा फॉर्म भी रहा था इसका, अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा था, वो यहाँ पे रिप्लेसमेंट आई है। किसकी जगह पे? कैथरीन बंट की जगह पे। कैथरीन बंट ये मैच नहीं खेलेगी, वो अभी जो इनका कुछ क्वारंटाइन का कुछ रूल्स है तो वो फॉलो कर रही है कैथरीन बंट, तो उस हिसाब से यहाँ पे खेलते हुए नहीं दिखेगी। लास्ट सीजन में भैया बिल्कुल लास्ट में थी ये टीम, इस बार थोड़े बहुत चेंजेस हैं, थोड़ा अच्छा स्क्वाड मुझे लग रहा है, थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इस बार। अब यहाँ से बात करें तो देखो इनका स्क्वाड यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। मैकलेनिंग है जो कि पर्थ स्क्वाचर से खेलती थी लेकिन अभी यहाँ पे खेल रही है तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म भी करती है मैकलेनिंग, कैप्टेंसी भी बहुत अच्छी कर लेती है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन भी है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की, तो आप जानते ही हैं लास्ट मैच में इसने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में क्या किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सोफी डे है, भावी देवचंद है, मिग्नॉन ड्यूप्रीज, हॉली फेरलिंग, टेस फ्लिंट ऑफ, निकोल फॉल्टम, एलेना किंग, रोज मेरी मेयर, एरिन ऑसबॉर्न, नेटेल साइवर भी यहीं से खेल रही है, एनेबल सुदरलैंड है और एलाइस विलानी जो कि ऑस्ट्रेलिया की मतलब फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी है, मतलब पहले खेला करती थी, आजकल नहीं दिख रही है क्योंकि उतना परफॉर्मेंस नहीं रहा था तो इसकी जगह पे दूसरे यहाँ पे परफॉर्म करते हुए खेल रहे हैं। अब इनकी बात करें पॉसिबल इलेवन की तो साइवर और विलानी आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं, वन डाउन पे लैनिंग, उसके बाद ड्यूप्रीज, एरिन ऑसबॉर्न, एनेबल सुदरलैंड, टेस फ्लिंटऑफ, हॉली फेरलिंग, एलेना किंग, रोजमेरी मेयर और निकोल फॉल्टम, ये खेलते हुए दिख सकते हैं। बेंच पे सोफी डे और भावी देवचंद मेरे हिसाब से होंगे। कैप्टन मैकलेनिंग है, ओवरसीज प्लेयर्स यहाँ पे कैथरीन ब्रंट, मिग्नॉन ड्यूप्रीज साउथ अफ्रीका से और नेट साइवर इंग्लैंड से। ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल्स की यहाँ पे बात करें तो मैकलेनिंग है, एनेबल सुदरलैंड है जो कि इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट करते हैं दोनों। की प्लेयर्स में लैनिंग सबसे पहले, 531 रन्स इसने लास्ट ईयर में किया था और 101 इसका हाईएस्ट भी था होबर्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे 16th रैंक पे बैठी है T20 प्लेयर इंडेक्स में। उसके बाद आती है नेट साइवर, साइवर की बात करें तो लास्ट ईयर में इसने 342 रन्स किया था 38 की एवरेज से और 6 विकेट भी निकाला हुआ था लास्ट सीजन में। अब ये 7th है, मतलब विन 2 टूर्नामेंट विन्स इन 95 मैचेस ओवर 3 इयर्स, मतलब 3 साल के आस अंदर बाहर में ये 7th रैंकिंग पे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है T20 प्लेयर इंडेक्स में। अब एरिन ऑसबॉर्न की बात करें, अभी तक इसको इंटरनेशनल का चांस नहीं मिला है लेकिन बॉलर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ऑफ ब्रेक बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलिंग भी करती है, आपको ये अपने दिन पे ना बहुत बड़ा करते हुए दिख सकती है। लास्ट सीज़न में मैंने देखा था हर मैच में कंसिस्टेंट रहती है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स दे देती है लेकिन एक एक मैच इसका ऐसा जाता है ना कि टॉप पे आपको आते हुए देखेगी। सीधा जो ग्रैंड लीग जीतेगा उसकी कैप्टन रहेगी एरिन ऑसबॉर्न, तो अगर ये खेल रही है तो इसको एक टीम में कैप्टन जरूर बनाना, आपको ये कभी भी ग्रैंड लीग जितवा सकती है। अब न्यू साउथ वेल्स से खेलती है तो 11 विकेट इसने लिया हुआ था, 35 रन्स भी, मतलब 11 विकेट लिया हुआ था लास्ट ईयर में। फिगर्स 25-2 था बेस्ट फिगर्स और 52nd पोजीशन पे है T20 प्लेयर इंडेक्स में। ये तो आपको बताया था मतलब कैथरीन ब्रंट और साइवर इंग्लैंड से हैं। तो अभी यहाँ पे बात करें इनकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की, 2019 में क्या हुआ था। निकोल फॉल्टम 9 मैचेस 5 इनिंग्स में बैटिंग की, सिर्फ 54 रन्स किया था और कुछ खास रिकॉर्ड था नहीं तो इसीलिए यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। मैकलेनिंग ने 15 मैचेस में 531 रन्स किया हाईएस्ट 101 का 40 की एवरेज से। मिग्नॉन ड्यूप्रीज 14 मैचेस में 404 रन, 88 हाईएस्ट, 28.86 की एवरेज थी। एलाइस विलानी की 24 की एवरेज थी। यल क्रिप्स को 3 मैचेस में इसने खेला था लेकिन कुछ करने का मौका नहीं मिला, ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग। यस डे अभी तक डिबट नहीं किया है, इस मैच में अगर खेलने का मौका मिलता है तो डिबट कर सकती है। उसके बाद आती है नटेल साइवर,
सही ओवर 13 मैचेस में 342 रन्स किया था, 55 हाईएस्ट था, 38 की एवरेज से 6 विकेट भी निकाला था। एरिन ओसबोर्न ने देखो 14 मैचेस में 205 रन किया, 20 की एवरेज से 11 विकेट भी निकाला हुआ था। सुदरलैंड की बात करें तो 10 मैच 104 रन, 11 की एवरेज मतलब 11.5 की एवरेज, 5 विकेट इसने निकाला था। देवचंद 4 मैचेस में खेली थी, सिर्फ 17 रन कर पाई, 1 विकेट इसने निकाला हुआ था। कैथरीन बंट जो कि खेलेगी नहीं, इसका स्टैट्स भी यहाँ पे है, 49 विकेट, मतलब टोटल इसका स्टैट्स है। लास्ट ईयर में इसने भी नहीं खेला था, मतलब WBBL5 जो हुआ था 2019 में उसमें भी इसने नहीं खेला था, तो इसका उससे पहले का 1, 2, 3, 4 का यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स दिया हुआ है। होली फेरलिंग ने लास्ट ईयर में 10 इनिंग्स में 5 विकेट निकाला, फ्लिंटॉफ ने 10 इनिंग्स में 2 विकेट, एलेना किंग 7 इनिंग्स में 2 विकेट, रोजमेरी मेयर का टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे है क्योंकि अभी तक इसने WBBL में रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो इसका टोटल T20 का रिकॉर्ड है 45 मैचेस 40 इनिंग्स और 2 विकेट इसने लिया हुआ है। माफ़ करना, मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, रोजमेरी मेयर ने 45 मैचेस 40 इनिंग्स में 33 विकेट्स निकाला है, 2 विकेट नहीं, माफ़ करना उसके लिए, वो यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाया था। अब जी जल जो है वो इसने भी अभी तक डिबट नहीं किया है, तो 2 प्लेयर्स यहाँ से अभी तक डिबट के लिए बैठे हुए हैं, इनको अगर टीम मौका देना चाहेगी तो दे सकती है, लेकिन स्टार्टिंग मैचेस में मुझे नहीं लगता चांसेस मिलेगा, लास्ट में इनको मिल सकता है जब एक्सपेरिमेंट्स का टाइम आता है। तो अब मेलबर्न स्टार्स वुमेन की ओवरऑल T20 की बात करें तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। फाल्टम का उतना कुछ खास है नहीं, लैनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ड्यूप्रीस इंपॉर्टेंट है, एलाइस वेलैनी इंपॉर्टेंट है, साइवर इंपॉर्टेंट है, ऑसबोर्न इंपॉर्टेंट है, सुदरलैंड, कैथरीन बंट, होली फर्लिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एलेना किंग को मैचेस में खिलाया जाता है लेकिन ये कुछ कर नहीं पाती है, विकेट तो कम ही लेती है, रन्स थोड़े बहुत करते हुए दिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि बहुत कम रन्स थे इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया वो स्टैट्स, थोड़ा बहुत आपको मतलब 8 से 15 रन आपको करते हुए दिख सकती है एलेना किंग। रोजमेरी मेयर आपके लिए अच्छी हो सकती है, मतलब यहाँ पे भी 2 लिख दिया, माफ़ करना, 33 विकेट्स इसने लिया हुआ था टोटल 45 मैचेस 40 इनिंग्स में। अब जी जल ने अभी तक डिबट नहीं किया है, तो जी जल का अगर डिबट करेगी तभी पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे खेलेगी। अब इनका हो गया मेलबर्न स्टार्स का, तो बात कर लेते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स की। अब रेनेगेड्स में देखो एली डोनाल्ड जो है लोकल रिप्लेसमेंट प्लेयर है, किसकी जगह पे, जेस डफिन की जगह पे, क्योंकि जेस डफिन ने विड्रू कर लिया था कॉम्पिटिशन से, ये बोल दी थी कि मैं खेलूँगी नहीं क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रही है अपने मतलब बेबी का, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब ये खेल नहीं रही है तो इसकी जगह पे एली डोनाल्ड खेलेगी। तो अब उसके बाद आती है डोनाल्ड, एक अच्छी ऑलराउंडर है जो कि मतलब मेलबर्न स्टार से लिस्टेड थी लेकिन अभी खेल रही है मेलबर्न रेनेगेड से। लिया ताहूहू को अगर आपने लिया हुआ है तो निकाल दो लिया ताहूहू का, 99% डाउट है खेलने का, सिर्फ 1% चांसेस है, वो भी मेरे हिसाब से नहीं खेलेगी क्योंकि ये भी जो है साइड स्ट्रेन से इंजोर थी, मतलब सफ़र कर रही थी, तो इसीलिए इसको भी थोड़ा रेस्ट अभी दिया हुआ है। अब यहाँ पे है एमी स्टर्तुएट आपको कैप्टेंसी करते हुए दिखेगी मेलबर्न रेनेगेड से। अब WBBL5 में तो इसने खेला नहीं था। अब यहाँ पे इनकी टोटल स्क्वाड की बात करें तो टोटल स्क्वाड यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे मैंने लिखा भी है तो वहाँ पे बात कर लेते हैं। लास्ट सीजन में देखो सेमीफाइनलिस्ट से मेलबर्न रेनेगेड्स, अब इनका टोटल स्क्वाड यहाँ पे है एमी स्टर्तुएट, मैकिनले ब्राउन्स, माइटलन ब्लोस, एली डोनाल्ड, जोसी डोली, एरिन फजाकरले, एला हेवर्ड, लिजेले ली, कार्ली लीसन, सोफी मोलिनियक्स, कर्टनी नियल, मॉली स्टेनो, जॉर्जिया वरेहम जो कि ऑस्ट्रेलिया की लेग स्पिनर है, कर्टनी वेब और लिजेले ली साउथ अफ्रीका की ओपनर है, लास्ट सीजन में दूसरी टीम से खेलती थी लेकिन अभी यहाँ पे मेलबर्न रेनेगेड से खेल रही है। तो ये आपको लिजेले ली एक डिस्ट्रक्टिव ओपनर है, करेगी तो भाई बहुत बड़ा करेगी या फिर बहुत जल्दी चली जाएगी, वैसी प्लेयर है, हिट और मिस टाइप प्लेयर है लेकिन अच्छा करते हुए जरूर दिखेगी। अब इनकी बेस्ट पॉसिबल 11 की मैं बात करूँ तो ली फजाकरले, एमी स्टर्तुएट, कर्टनी वेब, सोफी मोलिनियक्स, जोसी डोली, मॉली स्ट्रेनो, माइटलन ब्राउन, उसके बाद जॉर्जिया वरेहम, मैकिनले ब्लोस और कार्ली लीसन, ये खेलते हुए दिख सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर ये मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए लेकिन ये एक दो प्लेयर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, एक मैच हो जाएगा तो इनका बैटिंग ऑर्डर हमें 99% श्योरिटी मिल जाएगी। बेंच पे आपको एली डोनाल्ड, एला हेवर्ड और कॉटनी नियल आपको दिख जाएंगे। कैप्टन एमी स्टर्तुएट है, ओवरसीज प्लेयर लिजेले ली, एमी स्टर्तुएट और लिया ताहूहू है, डाउटफुल है, इंजुरी है, खेलेगी नहीं। ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल से आपको दिखेंगे सोफी मोलिनियक्स, जॉर्जिया वरेहम और मॉली स्ट्रेनो। स्ट्रेनो का मैं परसेंटेज देख रहा था ड्रीम इलेवन पे बहुत कम है, पता नहीं इसको प्लेयर ले क्यों नहीं रहे, लेकिन लाइनअप्स आने के बाद भाई जरूर बढ़ने वाला है मॉली स्ट्रेनो का,
वो लेकिन उतना भी नहीं बढ़ेगा जितना एक्सपेक्टेड है, उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन देख लेना जैसे जैसे सीजन चलता जाएगा इसका परसेंटेज आपको 75 प्लस के ऊपर दिखने लगेगा मॉलिस्ट्रेनो का। क्यों मैं आपको नीचे बता दूंगा, इसका स्टैट्स जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एमी स्टर्थवेट इस बार कैप्टेंसी कर रही है मतलब मेलबोर्न रेनेगेड्स की। 71 नॉट आउट था इसका मतलब लास्ट इंटरनेशनल्स में। और उसके बाद बात करें स्टर्थवेट, अब जो स्टर्थवेट है वो 31st रैंक पे बैठी हुई है T20 प्लेयर इंडेक्स में। उसके बाद आती है आपके लिए जॉर्जिया वरेहम, जो भी ये भी एक बहुत अच्छी लेग स्पिनर है, ऑस्ट्रेलिया से रिप्रेजेंट करती है और मतलब अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रखा है ऑस्ट्रेलिया के सर्किट में मतलब इंटरनेशनल सर्किट में। और ये 45th प्लेस पे है T20 प्लेयर इंडेक्स में। तो चलो इनकी बात कर लेते हैं लास्ट सीजन में इन्होंने क्या किया था। लिजेलेली 14 मैचेस में 475 रन किया था, हाईएस्ट 103 का एवरेज 36.54। मुझे अभी भी अच्छे से याद है जिस दिन ये 103 का मतलब की थी ना लास्ट सीजन में, उस टाइम पे मेरी ग्रैंड लीग में भाई 60 टीम में कैप्टन थी, बहुत अच्छी रैंकिंग भी आई थी और बहुत अच्छा अमाउंट भी उस मैच में हमें मिला हुआ था। तो हम वैसी सिमिलर परफॉर्मेंस इस बार भी मोस्टली करेंगे, होप्स हो कि अच्छा करेंगे WBBL में, देखते हैं कि क्या होगा। जे डुली 15 मैचेस 10 इनिंग्स 134 रन्स, 50 इसका हाईएस्ट था 26 की एवरेज से खेला हुआ था। एमी स्टर्थवेट का टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर में इसने खेला नहीं था, क्योंकि ये भी एक अपने बेबी का मतलब इनकी वाइफ जो है उनके साथ अपने बेबी का ये एक्सपेक्ट कर रहे थे तो खेली नहीं थी एमी स्टर्थवेट भी। 53 मैचेस 51 इनिंग्स 1294 रन, हाईएस्ट 66, एवरेज 31.35, विकेट्स टोटल 43 लिए हुए हैं। एमी स्टर्थवेट आपको बॉलिंग करते हुए जरूर दिखेगी, 2 या 3 ओवर जरूर करेगी, देखते हैं कि क्या होता है। एरिन फजाकरले ओपन करते हुए दिख सकती है, 13 मैचेस 13 इनिंग्स 243 रन, 58 हाईएस्ट है, 18.69 का एवरेज है। कॉर्टनी वेब की बात करें तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर रही है मतलब करके आ रही है 2019 में, 24 का एवरेज, 34 इसका हाईएस्ट था, रन्स 217 किए थे 12 इनिंग्स में। डोनाल्ड अभी तक डिबट नहीं किया है डोनाल्ड ने। बोलिनेक्स की बात करें तो 10 मैचेस में 101 रन, 10 की एवरेज थी, बॉलिंग से 8 विकेट, लेकिन अभी मतलब लास्ट ईयर इसका ऐसा परफॉर्मेंस था, इस साल इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4-4 विकेट 5-5 विकेट निकालते हुए दिख रही थी, लेकिन इस पिच पे थोड़ा स्पिनर के लिए डिफिकल्ट है, तो ये थोड़ा बॉलिंग से कम बैटिंग से आपको थोड़ा पॉइंट दे सकती है। हेवर्ड ने अभी तक डिबट नहीं किया। यम ब्लस ने 18 मैचेस 10 इनिंग्स में 4 विकेट निकाला है। मॉली स्ट्रैनो 15 इनिंग्स में 24 विकेट निकाला हुआ है, इसीलिए मैं ऊपर बोल रहा था आपको कि मॉली स्ट्रैनो का बढ़ते बढ़ते देखते जाना इसका बढ़ता जाएगा परसेंटेज, अभी के लिए कम है, फर्स्ट मैच है, लाइनअप्स आने के बाद मतलब 50-60% पे जाएगा, नेक्स्ट मैच में आपको 70 प्लस पे होते हुए भी दिख सकता है। अगर फर्स्ट मैच में विकेट नहीं लेती है तो सेकेंड मैच में सीधा इसको लेके कैप्टन ठोक देना, विकेट लेते हुए आपको जरूर दिखेगी, 2 से 3 विकेट लेते हुए किसी भी मैच में ये दिख सकती है मॉली स्ट्रैनो। उसके बाद है मैटलन ब्राउन, 15 मैचेस 41 रन, 16 विकेट इसने भी लिया हुआ था, लिया था हू नहीं खेलेगी लेकिन स्टैट्स यहाँ पे है, 15 मैचेस में 9 विकेट। जॉर्जिया वरेहम 15 मैचेस में 7 विकेट, सी लीसन 11 मैचेस में 3 विकेट। वरेहम आपको अगर बैटिंग का मौका भी मिल जाए तो थोड़ा बहुत रन्स करते हुए भी दिख जाएगी, और इस बार थोड़ा अच्छा ही रन्स कर रही है, मतलब जैसे मैंने देखा था ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो बहुत अच्छा बैटिंग भी वहाँ पे कर रही थी जॉर्जिया वरेहम। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है, एक नज़र इस पे डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके थोड़ी देर के लिए देख लो। यहाँ पे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बता दूंगा, लिजेलेली है, एमी स्टर्थवेट है, एरिन फजाकरले है, कर्टनी वेब है, सोफी मोलिनियक्स है, बॉली स्ट्रैनो, मैटलन ब्राउन, जॉर्जिया वरेहम, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस टीम से। अभी यहाँ पे फिलहाल टीम की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा क्रेडिट इश्यूज है तो ऊपर नीचे करना पड़ा था प्लेयर्स को। अभी के लिए मैंने यहाँ पे ली फजाकरले और स्टर्थवेट, विलानी, लैनिंग, साइवर, मोलिनियक्स, स्ट्रैनो, वरेहम, एलाना किंग, रोजमेरी मेयर को रखा। एलाना किंग को मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि मुझे कोई वेस्ट पिक चाहिए नहीं टीम में, इसकी जगह पे मैं किसी और को लूँगा। अब देखूंगा कि इसकी जगह पे कौन खेल रहा है, मतलब 8 क्रेडिट में मुझे किसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। फाइनल अपडेट फर्दर टॉस के बाद जो भी रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले का वीडियोस भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शंस में मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।